मेरा नाम प्रभाकर वर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। सिमिलरली अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में भी जो गैप होता है उसको हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि गैप बहुत कुछ डिसाइड करता है। अब गैप ही ये डिसाइड करेगा कि आपका अगला पेपर कैसे जाएगा। अगर आपने गैप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो आपका सेकेंड पेपर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं जा सकता है। अभी जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरा एडवाइस उनसे, जो उनके मन में एक डाउट रहता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में नंबर ऑफ़ सीट्स जो होती हैं वो कम हो रही हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे डाउट्स उनके मन में रहता है कि इतनी कम सीटों में हम कंपटीशन कैसे करें, इतनी कम सीटों में हम तैयारी कैसे करें, हमारा तो प्रीलिम्स ही नहीं होगा या फिर प्रीलिम्स हो गया तो मेंस नहीं होगा, हम कहीं ना कहीं इस स्टेज में फंस जाएंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मेरा मानना है, मेरा एडवाइस है वो ये रहेगा कि आप इन सब के बातों में ना पड़ें। अगर आपने दृढ़ संकल्प बना लिया है खुद से कि मुझे क्लियर करना है, तो फिर आपको टारगेट सीधा क्लियर करने पे ही होना चाहिए। आप स्ट्रेटजी अपनी जो बनाएं वो इस तरह से बनाएं कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, मेंस की स्ट्रेटजी और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी सेग्रीगेटेड होगा। और इस चीज़ में मैंने हेल्प करने के लिए मैंने खुद का एक तरह से ब्लॉग लिख रखा है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो prabhakarvarma.wordpress.com पे है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी एक तरह से हेल्प मिल सकती है जो नए एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड जो कुमार शानू है, उसने ये फ्रेंड मुझे एक बार हम पढ़ रहे थे साथ में, तो उसने बताया था कि इंग्लिश में है, बाइट मोर देन यू कैन च्यू एंड देन च्यू इट। इसका मतलब वही है कि जितना आप आज पढ़ सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए और आप धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ेंगे।